अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग 5-10 लाख रुपए की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये गाड़ी पेट्रोल है या डीजल। पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, ताकि वो हमारी 5-10 लाख रुपए की गाड़ी कहीं हमारी ही गलती की वजह से खराब न हो जाए। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ये जो हमारा जिस्म, ये जो हमारी बॉडी जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा महंगी है, यानी कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है और कुदरत ने हमें फ्री में दी है, उसके अंदर क्या डालना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम 1% भी नहीं सोचते। ये हम लोगों की एक बहुत ही बड़ी गलती है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट के पीछे मत भागें। अगर आप आज टेस्ट के पीछे भागेंगे तो कल बीमारियां आपके पीछे भागेंगी। अक्सर ही ऐसा होता है कि हम कितनी भी अच्छी नींद क्यों न ले लें, लेकिन फिर भी सुबह हमें सुस्ती ही रहती है। यानी सुबह उठते ही हमारा उठने को मन ही नहीं करता, या कोई काम करने को मन नहीं करता, पूरा दिन थकावट रहती है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप अच्छी नींद लेने के बाद भी सारा दिन थकावट महसूस करते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की जो वजह है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक ऐसी चीज मैं आपको खाने के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेहतमंद रहेगी, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे गलत खान पान की वजह से ही हमें बीमारियां हैं। हमारा जिस्म वही बनता है जो हम खाते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डलता है, एक डीजल गाड़ी में डीजल ही डलता है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह है। हमारी इस जिस्मानी गाड़ी में भी अगर पेट्रोल डलना चाहिए तो हमें पेट्रोल ही डालना है, अगर डीजल डलना चाहिए तो डीजल ही डालना है। कहने का मतलब है, हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ये चीज़ हम सोचते ही नहीं है। इसी वजह से आजकल हर इंसान बीमारियों से परेशान है। देखें दोस्तों, अगर तो आपको जिंदगी में सेहतमंद रहना है तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जो आप खाते हैं क्या वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जो आप खाएंगे वैसा ही आपका जिस्म बनेगा और वैसी ही आपकी सेहत रहेगी। इसलिए दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपके घर में होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भुने हुए चने की। चने हर घर में इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत कम, और भुने हुए चने की बात करें तो आजकल वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। दोस्तों, दरअसल पुराने जमाने में जब भी स्नैक्स खाने का मन होता था तो लोग भुने हुए चने ही खा लेते थे, क्योंकि उस वक़्त में आजकल की तरह बिस्किट, निम्को, ये चीज़ें नहीं थीं। लेकिन आजकल इतनी वैरायटियां इन चीज़ों की मिलती हैं कि हम लोग भुने हुए चने को भूल ही गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बिस्किट और निम्को वगैरह हम खाते हैं, ये हमें कितना नुकसान देती हैं और ये किन किन बीमारियों का सबब बनती हैं? लेकिन हम लोग सिर्फ टेस्ट की वजह से इन्हें खाते रहते हैं। लेकिन अगर हम स्नैक्स में निम्को, बिस्किट के बदले भुने हुए चने खाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि दोस्तों चने में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा होता है। और जब भी आप ये महसूस करते हैं कि सुबह उठकर आपको सुस्ती महसूस होती है और पूरा दिन जिस्म में थकान रहती है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन्स की कमी को पूरा करने के लिए कई लोग सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि प्रोटीन भी एक तरह का नहीं होता, प्रोटीन की भी बहुत सी टाइप्स हैं। और जो सोयाबीन में प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हजम करने का इल्जाम हमारे पेट में है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, जो लोग सोयाबीन को बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं तो वो लोग बिल्कुल गलत चीज खा रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन हमारे पेट में डाइजेस्ट होता ही नहीं है, यानी इसके अंदर का प्रोटीन हमारा जिस्म एब्जर्व ही नहीं करता। तो जो भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, आपको भुने हुए चने का इस्तेमाल हर रोज करना चाहिए। एटलीस्ट जब भी आपको स्नैक्स खाने का मन हो तो भुने हुए चने ही खाएं। इसके अलावा अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले मुट्ठी भर भुने हुए चने और साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को बहुत ताकत देगा, क्योंकि दोस्तों भुने हुए चने में प्रोटीन की मिकदार बहुत ही ज्यादा होती है और ये हमारी बॉडी को ताकत देता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है, सुस्ती और थकान को खत्म करता है, जिस्म से कमजोरी को खत्म करता है, हमारी बॉडी को ये बहुत ही एनर्जी देता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से भुने हुए चने हमें बीमारियों से बचा सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों आजकल हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भुने हुए चने बहुत सी बीमारियों को खत्म करते हैं। सबसे पहला जो फायदा भुने हुए चने का है वो है कि ये हमारे जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, इसलिए हमारी बॉडी में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होने लगती है और जोड़ दर्द करने लगते हैं। लेकिन आजकल के दौर की अगर बात करें तो 20-30 की एज में ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल की हमारी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द न हो, जोड़ों में दर्द न हो, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बनी रहे, तो हर रोज भुने हुए चने एटलीस्ट मुट्ठी भर खाना शुरू करें। अगर तो आप किसी भी टाइम स्नैक्स में खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, नहीं तो आप सुबह उठकर खाली पेट इसे खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर किसी के भी घुटनों में दर्द है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको भुने हुए चने लगातार 2 से 3 महीने खाने चाहिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। भुने हुए चने के साथ में अगर आप गुड़ खाते हैं तो फिर भुने हुए चने आपको डबल फायदा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल की एक मेजर प्रॉब्लम बालों का झड़ना, अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बालों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दरअसल दोस्तों हमारे बाल ठीक उसी तरह ग्रो करते हैं जिस तरह से एक पौधा ग्रो करता है। अब मान लीजिए आपने किसी पौधे को गमले में लगाया और उसको खाद नहीं डाली तो वो पौधा बहुत कम ही ग्रो करेगा या फिर वो पौधा सड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरी जगह पर उसी पौधे को अच्छी तरह से खाद दी, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपने वो उसे दी, तो आप देखेंगे वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यही सेम चीज हमारे बालों के साथ भी होती है। दोस्तों हमारे बालों की जड़ें होती हैं, हमारे बालों की जड़ें एक पौधे की जड़ों की तरह ही हैं। हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन चाहिए और ये न्यूट्रिशन आपको बाहर से कुछ लगाने से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको खाना खाने से। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि एटलीस्ट हमें कोई शैम्पू लगाना चाहिए, हमें कोई नया ऑयल लगाना चाहिए या हमें कोई नया कंडीशनर लगाना चाहिए। दोस्तों बाहर से आप कुछ भी लगा लें, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी पौधे पर स्प्रे करना। किसी पौधे पर स्प्रे करने से पौधा ग्रो नहीं करता। अगर पौधे को ग्रो करना है तो उसकी जड़ में खाद डालनी होगी और वो मिलेगी आपको खाने पीने से। अगर आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें प्रोटीन है तो वो आपके बालों की जड़ों को मजबूती देगा, आपके बालों को ग्रो करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अगर आप भुने हुए चने सुबह खाली पेट मुट्ठी भर भी खा लेते हैं, साथ में अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन और आयरन दो मेजर कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो आपके बालों को प्रोटीन और आयरन मिलेगा और ये दोनों चीजें आपके बालों को बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद करेंगी और आपके बालों का झड़ना 1 से 2 महीने में बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो भुने हुए चने बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि मेल्स के लिए भुने हुए चने बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, अगर आपको अपना वजन 1 से 2 महीने में 5 से 10 किलो कम करना है, तो आपको अपनी डाइट में भुने हुए चने जरूर शामिल करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि वजन को कम करने के लिए हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत अपने खान पान में चेंज करते हैं तो बिना किसी डाइट प्लान और एक्सरसाइज के ही आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मुट्ठी भर भुने हुए चने और साथ में गुड़ खाने से आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। इस तरह से आप 3 महीने के अंदर 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोगों की एज बहुत ज्यादा है, 40-50 साल से ऊपर की एज है, लेकिन वो देखने में बहुत कम उम्र के लगते हैं। देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग आपके नजदीक ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल ही है, लेकिन वो देखने में आपको बूढ़े ही लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज्यादा एज में जवान दिखें, तो आपको इसके लिए भुने हुए चने खाने होंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने खाने पीने की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और वहीं कुछ लोग हैं जो खाने पीने की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जो भी आया खा पी लेते हैं।
जब भी मन करता है तो पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक कुछ न कुछ खाते ही हैं। लेकिन दोस्तों ये चीजें हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालने पर गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, इसी तरह से ही हमारी बॉडी में भी अगर फलों की जगह पर अगर आप पैकेट फूड या फ्राइड फूड डालते हैं तो इससे भी हमारी जिस्मानी गाड़ी खराब हो जाएगी, इसमें बीमारियां आ जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि या अल्लाह आपने हमें बीमारियां क्यों दी। हम लोग हमेशा बीमारी आने पर कंप्लेन करते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। दोस्तों आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलतियां आप ही करते हैं। अब देखिए पैसा आपका है, चॉइस भी आपकी है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, मार्केट में आपको जहर भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, हमें हर चीज मिलती है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं। अगर आप अपने घर में फल लेकर आएंगे तो आपकी फैमिली फल ही खाएगी, इससे दोस्तों आपकी पूरी फैमिली सेहतमंद रहेगी और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे। अब अगर किसी से हम कहते हैं कि आपको अपने जिस्म के लिए टाइम निकालना चाहिए तो लोग कहते हैं हमारे पास अपने जिस्म के लिए टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। आज निकालोगे नहीं तो कल बीमारियों के लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर कल बीमारियों के लिए टाइम निकालोगे तो टाइम के साथ साथ आपका कमाया हुआ सारा पैसा भी निकल जाएगा। तो जब इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो उसे अगर बीमारियों पर ही खर्च करना है तो कमाने का क्या फायदा। तो दोस्तों आई होप आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से भुने हुए चने खाने से और हल्का फुल्का अपनी डाइट में चेंज करने से आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।